हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले, तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग पेपर चालू होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन में देखेंगे कहां पर थियोरिकल क्वेश्चन है, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स आने वाला है, कितने मार्क का टॉपिक हो सकता है, मेन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, इस बार की एग्जाम के लिए कौन सी आईएमपी थियरी रहने वाली, और कम टाइम है तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको क्या तैयार करना चाहिए, उन सबको लेकर कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझने वाले। तो सबसे पहले अब हमारा एग्जाम 70 मार्क के साथ होने वाला एंड एंड हाफ ऑफ टाइमिंग के साथ आने वाला। अब हमारा पेपर टोटल 5 क्वेश्चन में डिवाइड किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क रखे जाएंगे, मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन टोटल मार्क कवर कर लिए जाएंगे, और यहां पर 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे 70 मार्क पेपर के पूरे आने वाले। अब एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए कहां पर थ्योरी, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स, कितने मार्क का होगा, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, सबको लेकर मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट यूनिट में से निकल के आने वाला है, जो कंप्लीट आपके पास थियोरिकल आने वाला है, कंप्लीट थियरी के थ्रू कवर होने वाला है। अब मार्किंग को लेकर बता दूं 14 वो कैसे कवर करेगा, हमको इंस्टीट्यूट में 3 ऑप्शन बताए गए, समझिएगा पहले, जिससे आपको पता चलेगा कहां पर कौन सा अप्लाई हो सकता है। 14 के ऑप्शन में 7-7 करके पूछने को बोला गया, 7-7 के दो क्वेश्चन ऊपर तो 7-7 के नीचे दो क्वेश्चन, और थर्ड बताएगा 14 के ऑप्शन में 14। अब देखिए एक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हर एक में अलग अलग भी हो सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर खास करके, तो मैं बताने वाला हूं क्या क्या संभावना हो सकती है। तो फर्स्ट थियरी के मुझे जैसा लगता है कि 14 के ऑप्शन में 7-7 ये भी अप्लाई हो सकता है, या 7-7 के ऑप्शन में 7-7। हम तैयारी ऐसी करेंगे किस तरह से भी पूछे हम ये यूनिट इजीली कवर कर लेंगे, चाहे इसके अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन पूछे या इसके अकॉर्डिंग 4 पूछे, हमारे लिए बेनिफिट है क्योंकि बीच में ऑप्शन दिया गया होगा ही, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसके टाइप से भी पूछा गया, इस टाइप से भी पूछा गया, फिक्स नहीं बोल सकते, पर तैयारी पे ध्यान रखेंगे जिससे हमारा ये यूनिट इजीली कवर हो जाएगा। आई होप मार्किंग आपको पता चल गया होगा। अब इसी की मैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी साथ में बता देता हूं, एक एक क्वेश्चन को इस तरह से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर गुजराती मीडियम की कुमार प्रकाशन की बुक है, लेकिन इंग्लिश में वाले भी समझेंगे, मैं इंग्लिश में ही भी बोलने वाला ही हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जैसे मैंने कहा पूरा थियोरिकल है, अब इसमें मैं आईएमपी क्वेश्चन ही डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं बोलना चाहूंगा लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे या एक दो दिन पहले, तो इतने क्वेश्चन पढ़िए, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिलने वाला ही है, तो गारंटेड इसमें से वो थियरी मिलने वाली है। तो देखिए कौन सी थी जो 2021-22 में दी गई थी, वही मैं थियरी दे रहा हूँ, क्योंकि वो मोस्ट टाइम पे थियरी, उतने में हमारा यूनिट कवर मोस्ट ऑफ हो ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो टॉपिक देखना, मैं इंग्लिश में ही बोलने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, जहां पर तबक्का के बारे में बताया गया, स्टेजेस, ठीक है, डिटेल में पढ़िएगा अच्छे से, अगर 14 में पूछा तो भी आप लिख पाओ और 7 का पूछा तो भी आप लिख पाओगे। पॉइंट नंबर 3 भी आपको पढ़ना शायद इंग्लिश में आगे पीछे हो सकता है, देखिएगा उपदेश लिखा, हेतु, ऑब्जेक्ट, याद रखें यहाँ पर अंदर से मैं दिखाना चाहूंगा, भले वीडियो लॉन्ग होगा पर आपको पता रहेगा कि हमको पढ़ना कितना है, कम टाइम है तो इतना ही पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पर 4 दिए गए, नाम पढ़ लीजिएगा, 4 में क्या होगा, एग्जाम में किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाएगा डायरेक्ट, या तो फिर डायरेक्ट फर्स्ट वाला ही पढ़ना आपको, डिटेल में फर्स्ट के बारे में पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इसके बारे में 7 मार्क का पूछ लिया जाता है, ठीक है, समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्ट लिखा तो अपनी मर्जी से किसी एक को एक्सप्लेन डिटेल में कर लेना, हमको पहला ही पढ़ने का, जिससे डायरेक्ट इसी को पूछे तो भी हम ये लिख देंगे, या किसी एक को एक्सप्लेन करने का बोलेगा तो भी हम फर्स्ट लिख लेंगे, फर्स्ट की रेडी आपको प्रिपरेशन कर लेना है। आई होप क्लियर हुआ। यहाँ पर अगला जो टॉपिक पढ़ना है, समझिएगा यहाँ पर शब्द में थोड़ा आगे पीछे एग्जाम में करके पूछा जाता है, समझिएगा नाणाकार्य लिखा इंग्लिश में फंक्शन, या फिर इसको अभिगम अप्रोच भी बोलते हैं, अंदर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है पर आंसर हमारा वही होता है, क्योंकि यहां पर हमको जो है टॉपिक के अंदर अभिगम अप्रोच दिए हुए, तो दोनों को पढ़ लेना, यही हमारा नाना कार्य, ये हमारा फंक्शन ही कहलाता है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको बताना जा रहा हूं। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है संचालकीय, संचालकीय नाना कार्य, इंग्लिश में कई बार स्कोप करके पूछे तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पर कई बार डायरेक्ट इंग्लिश में यही लिखा हो सकता है मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है, वो वाला टॉपिक। तो 5 और 6 भी हुआ, और लास्ट एक पढ़ लेना पॉइंट नंबर 8, नाना मैनेजर ने भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ये 5 टॉपिक पढ़ लीजिए, इनफ है, आपका काम हो ही जाएगा, चाहे किसी भी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे, आप अपना ये यूनिट कवर कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 किस तरह से हो सकता है समझिएगा, क्योंकि हमारे पास चैप्टर बहुत सारे हैं, इसके लिए ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो सकता है, यहां थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को पूछा जाएगा, पक्का दोनों को पूछा जाएगा, ज्यादातर 90% इसी के चांस है। अब कैसा ऑप्शन हो सकता है, मुझे मोस्ट ऑफ जो लगता है पहला इसी के अकॉर्डिंग हो सकता है, 7-7 के ऑप्शन में 7-7, या फिर 14 कर सकता भी है, ठीक है, समझिएगा 14 करके तो यहां पर थियरी होगी, यहां पर क्या होगी थियरी, और नीचे एक थियरी और यहां पर एक प्रैक्टिकल सम्स, 7-7 होगा तो समझ गया थियरी थियरी,
ठीक है, और थियरी और एक प्रैक्टिकल सम, मतलब एक प्रैक्टिकल सम देखने को मिलेगा 7 मार्क का, ठीक है। इतना कहना चाहता हूँ, आई होप मार्किंग क्लियर हो चुका। अब स्ट्रेटेजी और आईएमपी बता दो, एंड तक देखना, लास्ट में बताऊंगा अगर कम टाइम है 4 से 5 आवर है तो हमको सबसे पहले क्या तैयार करना चाहिए वो भी मैं आपको एंड तक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं बोलना चाहूंगा थियरी और सम्स दोनों की बात करा, ये तो चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो हमारे सेमेस्टर 6 के अंदर चेक कीजिए यही चैप्टर है, हो सके तो वहां से पढ़ सकते हो, वरना आप इनफ है यहाँ के उदाहरण दिखाओ ना, पॉइंट नंबर 8 यहाँ पर कुमार प्रकाशन है, इतने सम्स करोगे तो ही इनफ है, इसमें से आपको सम्स मिल जाएगा। दूसरा प्रैक्टिकल कौन सा आपको सम्स करना चाहिए, ये यहाँ पर जो बी लिखा गया है इसका जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 5 उदाहरण एग्जाम्पल, इसके प्रैक्टिकल बस इन दोनों के करना है, मोस्ट ऑफ चांस इसके आने के प्रैक्टिकल सम्स के, ठीक है। फिर भी एक बार हल्का फुल्का ये देख के चले जाना, बट ज्यादा फोकस ये बी पे जरूर कीजिएगा जिससे ये सम 7 मार्क के ज्यादा पूछने के चांसेस है। क्लियर हुआ सम्स आपको कहां से करना है। अब थियरी बता दूं मोस्ट ऑफ, क्योंकि थियरी आपको 2 या 3 देखने को मिलेगी, तो फर्स्ट इसमें से क्या पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट ख्याल पढ़ना है। फर्स्ट जो है फर्स्ट टॉपिक में इतना ही पढ़िएगा, नाणानु समय मूल्य इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। टाइम वैल्यू मनु इतना टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ख्याल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा भावी मूल्य फ्यूचर वैल्यू के बारे में नॉर्मल पता होना चाहिए, वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू, बस 3 टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। 7 मार्क में पूछे तो भी आप लिख पाओ, या तीनों को साथ में पूछे 14 में तो भी आप लिख पाओ, बस इस यूनिट में से इतना आपको पढ़ना थियरी के रूप में। अगला यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ना है, 3 टॉपिक है, 3 में से 2 पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पढ़िएगा, ठीक है। कारण जो रीजन है वो, और यहाँ पे उसकी पद्धति दी गई वो, ये 2 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के अंदर देखिए टॉपिक थोड़े ज्यादा, पर हो सके ना बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ना, 7 मार्क की थ्री इसमें से पूछना, बॉन्ड का टॉपिक पूछा गया, बॉन्ड का एक जो टॉपिक दिख रहा है बॉन्ड बाजार, ठीक है, बॉन्ड मार्केट, और एक टाइप्स होता है आपको टाइप्स टॉपिक पढ़ना, प्रकार जहां तक हो सके, आई थिंक इसमें नहीं दिख रहा मुझे तो आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा तो भी चल जाएगा टाइप्स, ठीक है, प्रकार पढ़ लेना बॉन्ड के। ये हो गया कंप्लीट यूनिट नंबर 2, आई होप क्लियर हुआ होगा। थियरी और प्रैक्टिकल मैंने क्लियर बताया, इसमें से प्रैक्टिकल करोगे तो भी इनफ है, उतना ही बहुत है, आई होप क्लियर हुआ। लास्ट दिन आपको बताऊंगा सबसे पहले कौन सा यूनिट करना चाहिए, कौन सा इजी है, लास्ट टाइम पढ़ रहे हो कम टाइम में क्या हो सकता है। यूनिट नंबर 3 थियरी प्लस प्रैक्टिकल टोटली ऐसा ही है, यहां पर मोस्ट ऑफ एक ऑप्शन होने के चांसेस ज्यादा है, ये 14 का ऑप्शन में 7 ये होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 14 में एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स आने के चांसेस है, क्योंकि वो लॉन्ग में पूछा जाएगा, क्योंकि 70 मार्क का इसके लिए, और नीचे आप ऑप्शन में 7 की 2 थियरी समझ सकते हो, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ चांस है। बायचान चेंज कर सकते हैं और इस पे आप हम लोग जा सकते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी समझते कैसे करना है, यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिकल सम्स की बात की वो आपको रेडी कहाँ करना है, ए में से करना है, और ये चैप्टर कहाँ से आपको रेडी करना पहले से बता दो डिटेल में। वैसे तो उदाहरण से रेडी कर सकते हो, लेकिन उदाहरण में आपको समझ में आएगा नहीं, यहाँ के प्रैक्टिकल सम्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इससे अच्छा है आप सेमेस्टर 6 के अंदर मैनेजमेंट जो अकाउंट है उसमें जो चैप्टर अपलोड किया कैपिटल बजटिंग मूडी बजट टोटल वो कर लीजिएगा, 3-4 वीडियो देखोगे आपको आ ही जाएगा, उसके बाहर कुछ आने वाला है नहीं। वरना देखा जाए तो इसके लास्ट 5 ईयर के सॉल्यूशन वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर इसके कोर्स में अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, तो वहां से भी आप तैयारी कर पाओगे, हो सके तो उसमें एनरोल हो जाइएगा, ठीक है, वरना आप सेमेस्टर 6 की प्लेलिस्ट में जाकर भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके क्या क्या फायदे मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। क्लियर हुआ होगा आपको सम्स की बात की तो कहां से रेडी करना, उसके बाद क्या हो सकता है एग्जाम में अगर 14 का इसका सम्स आया ना तो ऑप्शन में जैसे मैंने कहा 7-7 हो सकता है कि दोनों 7-7 की थ्योरी इसी में से हो, दोनों थियरी इसी में से हो, 90% इसके चांस होते हैं अगर 14 में यहाँ का सम्स आया तो, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस इसकी एक थियरी और ऊपर वाले की थियरी भी हो सकती है तो पहले इसकी थियरी समझिए कौन से 11 टॉपिक के 4-5 बता देता हूं, पहले वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो पहला टाइप्स प्रकार जो पहले भी मैंने यही दिया था वही पढ़ना है। दूसरा असरकर्ता परिबल फैक्टर अफेक्टिंग, फिर तीसरा पॉइंट नंबर 9 है जरूरत, तो ठीक है, पॉइंट नंबर 10 है आप उसके सिद्धांत प्रिंसिपल, ये 4 टॉपिक पहले पढ़ना, और हो सके तो ऊपर नीचे ये 2 टॉपिक ऊपर के शुरुआत करना हल्का ऐसे बाय चांस देख लेना है, क्योंकि 7-7 की 2 थियरी हुई ना तो इन 4 में से तो 1 होगी और ऊपर के 2 हल्के से देख के चले जाना। और जैसे मैंने कहा दोनों थियरी इसकी भी हो सकती है, अगर इसकी करनी है तो एक थियरी कर लेना खास पहले असर करता परिबड़ो, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग, तो हमारा बाय चांस इसका भी अगर थियरी आया तो भी हमारा हो जाएगा, वरना एक दोनों के ऑप्शन में निकल सकते हैं, अगर 14 का सम्स आया तो ये निकल सकता है ऑप्शन में, क्योंकि मार्किंग इक्वल करने के लिए चांस इसके है। वही यूनिट भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, ये भी थियरी प्लस सम्स है, यहाँ पर क्या अप्लाई होता है ध्यान से सुनिएगा, 14 और 7-7 हो सकता है, वीडियो लॉन्ग है क्योंकि डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं इसके लिए, चैप्टर भी बहुत सारे हैं। 14 में अगर चाहिए ना तो यहाँ पर वो सम्स ले सकता है, प्रैक्टिकल कर सकता है, और नीचे एक थियरी और एक सम्स ऐसे भी कर सकता है। 7-7 करना तो भी वो कर सकता है कि एक थियरी एक प्रैक्टिकल सम्स, ऑप्शन में भी थियरी और प्रैक्टिकल सम्स ऐसा कर सकता है। प्रिपरेशन समझते कहाँ प्रैक्टिकल सम्स से, कहाँ थियरी और कहाँ से तैयारी करनी वो भी समझते हैं।
तो फर्स्ट के अंदर हम लोग पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल यहाँ पर देखो तीन टॉपिक है, प्रैक्टिकल इक्विटी, प्रेफरेंस और भारित। तीनों में से आपको प्रैक्टिकल जो सम्स करने हैं ना वो भारित वाले करने, वेटेड एवरेज वाले करने। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए ना इनफ है, उतने करोगे तो इनफ है, उससे काम हो ही जाएगा। उसमें भी कौन सा टॉपिक, इन तीनों में से एक भारित वेटेज एवरेज का पहले करना है, इसी के चांसेस आने के चांसेस ज्यादा है। और लीवरेज के अंदर तो जो दिए गए तीनों लीवरेज आपको रेडी करने पड़े, इसी उदाहरण में से रेडी करोगे तो भी चल जाएगा, या तो फिर जैसे मैंने कहा विजी स्टडी पॉइंट के अंदर इन तीनों के जितने प्रैक्टिकल चैप्टर उनके लेटेस्ट 5 पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ अपलोड की गई है, हो सके तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, आई होप आपको सम्स क्लियर हो चुका है, सम्स के थ्रू ये कवर अच्छे से हो सकता है। और थियरी की बात कर लेता हूं, देखिए इसमें क्या चैप्टर बहुत सारे, तो थियरी देना बहुत ही मुश्किल है इसके अंदर, तीन चार थियरी देना, पर फिर भी एक दो मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाय चांस उसमें से हो जाए तो हो जाए। सम्स तो वहां पे दो हो गए, यहाँ पर थियरी में पॉइंट नंबर 6 पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 चौकी आवक वाला टॉपिक है यहाँ पर, और पॉइंट नंबर 8 पढ़ना है, ये दो टॉपिक पढ़ना है। बी के अंदर देखिए तीन चैप्टर है, फिर भी एक दो थियरी मैं बताना चाहूंगा। प्रेफरेंस का टॉपिक पढ़िएगा, कौन सा टॉपिक, प्रेफरेंस शेयर का पढ़ लीजिए, बस इतना ही बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल से आप कवर कर सकते हो, और एक थियरी लिखने को आएगी, ऐसा हो सकता है 14 का पूछेगा तो। ठीक है, तो कम थियरी बता रहे हो सेक्शन के लिए, आई होप आपको ऊपर के चार कंप्लीट पता चल गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन 5 बता दो, 99% यहाँ पर एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। पहले मार्किंग की बात करो तो एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा, आपको 7 अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको एग्जाम में दिया गया होंगे 12, तो 12 में से 7 स्टार्टिंग है वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे 14 में से 14 कवर हो जाए। और ये 14 कवर करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आपके पासिंग मार्क 25 होते तो 14 आ जाएंगे, तो यहीं पर आपका काम हो ही जाएगा। तैयारी का करनी बुक के थ्रू कर लोगे, बुक में आपको लास्ट में हर एक चैप्टर के एमसीक्यू दिए गए, यही इनफ है। ठीक है, ये इनफ है, देखा जाए तो 7 तो इसमें से गारंटेड मिल ही जाएंगे, वरना हो सके टाइम बचे तो एक दो पिछले साल के पेपर के एमसीक्यू देखना, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये एमसीक्यू करोगे तो यहाँ की तैयारी हो जाएगी। आई होप मैंने एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात कर ली। और विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको फ्री एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, अभी अपडेट नहीं हुआ तो एग्जाम तक अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोला फ्री एमसीक्यू टेस्ट मिलेगी आपको, तो डाउनलोड एप्लीकेशन जरूर कीजिएगा। आई होप कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, अब स्ट्रेटेजी बता दो, अगर लास्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कम टाइम है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट थियरी पढ़ लेना है, हर एक स्टूडेंट को थियरी पढ़ लिया, 1 से 2 ओवर में आपको पॉइंट पॉइंट करके आप रेडी कर लोगे। फिर दूसरा प्रैक्टिकल में भी रेडी करना इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट नंबर 3, क्योंकि 14 मार्क का सम्स आया ना तो सबसे इजी सम्स होता है, कम टाइम में आपका रेडी हो जाएगा। तो ये 14 और थर्ड टॉपिक होगा एमसीक्यू, तीन टॉपिक ऐसे है कि जो 4 से 5 घंटे में आप कवर कर लोगे, लास्ट दिन स्टडी कर रहे हो और कल ही एग्जाम है, तो थियरी यहाँ का एक प्रैक्टिकल चैप्टर और एमसीक्यू आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 5 से ज्यादा मार्क लाने दो, वरना एक एक के अंदर मैंने डिटेल में आपको बता दें कहाँ से क्या पढ़ना है। और देखा जाए तो लीवरेज और ये जो भारी वाला चैप्टर है ये भी बहुत ईजी है, आप 1 आवर के अंदर दोनों रेडी कर सकते हो, सम्स बेसिक ही आता है, कुछ हार्ड नहीं आता है, लीवरेज का भी सम्स और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुड़ी पड़ता है जिसमें भारी वाला वेटेज वाला बहुत ही नॉर्मल सम्स होता है, तो प्रैक्टिकल करने जाओगे तो बहुत बेसिक है, समझ रहे हो। आई होप क्लियर हो चुका होगा, इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, और विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।